Good morning. Welcome to my YouTube classes of English learning. साथियों, जैसे कि हम पिछली क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आपको idioms and phrases का नॉलेज दे रहे हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तैयार किया जा सके, उसी क्रम में आज मैं फिर कुछ phrases को लेके आपके सामने आ रहा हूँ. I am coming to you with some special phrases that you must do. मैंने इसका नाम भी दिया है ए मस्ट स्टडी. समझ चुके होंगे आप, बगैर इसके आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते. इसलिए पहले हम मटेरियल इकट्ठा कर दें और आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएं. तो एकदम से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही मकान बनेगा. जो इंग्लिश बोलने का जो एक बहुत बड़ा विशाल महल हम आपके लिए खड़ा करने वाले हैं, वो तब होगा जब आप थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, पीस बाई पीस यू विल कीप इट अप. तो देखिए, सबसे पहले अब हम आज जो शब्द लेके आए हैं वो है कॉल. राइट, बेसिक शब्द है. कॉल का मतलब सारे लोग समझते हैं, कॉल का मतलब बुलाना, पुकारना. लेकिन क्या हर जगह हम जहां भी पुकारना बुलाने की बात है केवल कॉल से काम चल जाएगा? नहीं, कंप्लीट सेंस तब तक नहीं बनेगा जब तक आप उसके साथ कुछ प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते. करेक्ट सेंस से बोलते हैं, एप्रोप्रिएट इंग्लिश. तो चलिए सबसे पहले कॉल के साथ हम एट लगा दें, तो कॉल एट बना. तो कॉल एट का मतलब क्या है? कॉल के साथ इन लगा देंगे तो कॉल इन बनेगा. कॉल फॉर, कॉल ऑन, कॉल ओवर, कॉल अप. अब आप ये देखिए इसका मीनिंग क्या हो, कहां पे आप कॉल एट लगा देंगे, कहां पे कॉल इन लगाएंगे, चलो बताते हैं आपको. कभी कभी ये सिचुएशन आती है, हम किसी को मिलने घर पर जाते हैं. राइट, ज्यादातर कॉल का मतलब मिलने से भी होता है, पुकारना ही नहीं होता है. सिंपली किसी को ऐसे पुकार रहे हैं जंगल में, कॉल कॉल कॉल, तो वो हो गई. लेकिन कॉल किस तरह की है? राइट, तो एक मीटिंग के लिए जैसे आजकल हम बोलते हैं कि हम कॉल पर हैं, मतलब मीटिंग चल रही है तो कॉल पर है. उसी तरह से कॉल एट अगर हमने कह दिया तो इसका मतलब ये है कि हम किसी को घर पे उसके मिलने जा रहे हैं. तो जब हम किसी के घर पे मिलने जाते हैं तो कॉल एट का इस्तेमाल करो. माइंड इट, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मीट समवन एट हिज होम, एट हिज हाउस, यू कैन यूज ओनली कॉल एट. हम बोल सकते हैं आई विल कॉल एट यू एट योर रेजिडेंस. Residence. I'll call at your residence. या ऐसे भी call you at, I will call you at your residence. ये दोनों सही है. Right? तो आप इसको तुरंत नोट करो. Call at, किसी को घर पे जब आप मिलने जाते हैं तो उसके लिए call at शब्द का यूज करेंगे. चलिए साहब, अब चलते हैं हम call in. देखो कॉलिंग का इस्तेमाल हम कहां करेंगे? कॉलिंग का मतलब होता है एक ब्रीफ विजिट, थोड़ी देर के लिए हम किसी को मिलने जाते हैं. ब्रीफ विजिट, थोड़ी देर के लिए आप किसी को मिलने जाते हैं तो उसके लिए हमेशा कॉल इन का इस्तेमाल कीजिए. जैसे आप किसी शहर में चले गए और वहां आपका कोई दोस्त रहता है, तो आपने सोचा जब आ ही रखे हैं तो इसको मिल जाते हैं, थोड़ा अपने दोस्त को मिल लें. Let me call in my friend. Okay? इसका मतलब brief visit के लिए भी आप call in का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो I will call up my mother here. Call up me. Call in my mother. I will call in my mother. आगे सुन में, जब आप आ रखे हो तो अपनी माँ के भी मिलके जाओ. Call in your mother. जब आप यहाँ आए रखे हो तो मुझे मिलके भी जाना. And you have come here, calling me then, calling me, right? तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे. तो calling का एक sense हमने बताया आपको, मिलके या short visit जिसको बोलते हैं, right? दूसरा होता है इसके लिए calling का मतलब, दूसरा अपनी मदद के लिए किसी को बुलाना. To call someone for your assistance. अपनी मदद के लिए जब हम किसी को बुलाते हैं
तब भी कॉल इन का इस्तेमाल होता है। जैसे कोई पेशेंट है तो हम बोलते हैं डॉक्टर को बुलाइए, तो कॉल इन ए डॉक्टर बोलेंगे, कॉल अपनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉल इन ए डॉक्टर। द नर्स कॉल्ड इन ए डॉक्टर, द नर्स कॉल्ड इन ए डॉक्टर, डॉक्टर राइट। अपनी असिस्टेंस के लिए जैसे डॉक्टर को घर पे बुलाया जाता है तो उसके लिए भी हम कॉल इन का इस्तेमाल करेंगे राइट। ओके ओके ठीक है। देखो एक कभी कभी एक बहुत अच्छा फ्रेज हम यूज करते हैं इसके लिए, अगर हम सीधा बोलते हैं ही कॉल्ड इन सिक, ये अंग्रेजी बोलने के लिए आपको बहुत, देखो कैसा लग रहा है सेंटेंस, ही कॉल्ड इन सिक। कॉल्ड इन तो ठीक है फ्रेज बन गया आपका, इसके साथ मैंने केवल सिक लिखा और कोई सेंटेंस नहीं बनाया आगे। ही कॉल्ड इन सिक इसका मतलब क्या है, ही टेलीफोन्ड टू से दैट ही इज सिक या ही वॉज सिक एंड वुड नॉट बी एबल टू कम टू वर्क। जैसे मान लिया जाए हम बीमार हैं, हम काम पे नहीं जा सकते हैं, तो हम टेलीफोन करेंगे कि आज हम क्या करेंगे, तबीयत खराब है, फोन से ही हम छुट्टी ले लेते हैं, तो उसके लिए केवल एक शब्द आता है ही कॉल्ड इन सिक, है ना मजेदार इंग्लिश। तो बजाय इतने लंबे लंबे शब्दों को आप उसको छोटे छोटे फ्रेजेस में बनाओ तो अंग्रेजी का स्वाद ही कुछ और हो जाएगा। आप तो ही कॉल्ड इन सिक का मतलब है उसने फोन किया यह कहते हुए कि आज वो काम पे नहीं आएगा क्योंकि वो बीमार है। इतने लंबे सेंटेंस को हमने छोटे से बना दिया ही कॉल्ड इन सिक राइट। ओके चलिए सर आप चलते हैं कॉल ऑन। व्हाट इज कॉल ऑन, कॉल के साथ अगर ऑन आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है। कॉल ऑन का मतलब सिंपली किसी को मिलना, टू सी समवन, टू सी समवन राइट। ऑन फोन भी आ सकता है, फोन पे किसी को मिलना उसको कॉल ऑन कहेंगे राइट। फोन पे ही किसी को मिलना कॉल ऑन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कॉल ओवर राइट। कॉल ओवर का मतलब होता है पढ़ना, नाम पढ़ना किसी का, जैसे द टीचर कॉल्ड ओवर द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, टीचर ने सब बच्चों के नाम पढ़े। तो यहाँ पे रीड क्यों नहीं आया, एक क्वेश्चन उठता है। देखो बहुत एप्रोप्रिएट इंग्लिश आपको सीखनी है, रीड तो ऐसा आ गया किसी को सुनाई नहीं देगा, मैं रीड कर रहा हूँ इतनी बड़ी क्लास में, मैं हल्का सा पढ़ूंगा, जोर से तो मैं पढ़ नहीं सकता। कॉल जब हम करते हैं तो कॉल में एक भाव आता है थोड़ा सा तेजी से बोलना, तो कॉल ओवर का मतलब कॉल ओवर ताकि मेरी आवाज सब तक चली जाए, मैंने पढ़ के सुनाना, मतलब सबके नाम सुनाए गए जोर से बोले ताकि सब सुन ले, उसको कॉल ओवर आएगा राइट। मैं इतनी जोर से बोलूंगा कि आप समझ लें, आई कॉल यू ओवर फ्रॉम हियर, आप वहां हैं तो मुझे यहां से आपको सुनाना है, आपका नाम जोर से चिल्लाना है, तो कॉल ओवर बोलेंगे राइट। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, द टीचर कॉल्ड ओवर द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, द टीचर कॉल्ड ओवर द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इस तरह से आपकी समझ में ये आ रहा होगा कि किस तरह से एक प्रपोजिशन लगाने से सेंस बदल जाता है उसका यूज करने का। अब आगे है कॉल अप। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कॉल अप, कॉल अप का मतलब क्या होता है। देखो कॉल अप किस सेंस में आएगा, ट्राई टू गेट इन टू कम्युनिकेशन विथ समवन, ट्राई टू गेट इन टू कम्युनिकेशन With someone, किसी के साथ कम्युनिकेशन करने, जैसे हम बोलते हैं ना फोन मिलाना, फोन लगाना बोलते हैं ना हम लोग, तो इसके लिए याद रखो हमेशा कॉल अप शब्द का इस्तेमाल करके, आई कॉल यू अप, मैं तुम्हें फोन लगाऊंगा, आया समझ में, ठीक है मुझे फोन कर देना, सीधा बोलेंगे कॉल मी अप। बात करने की बात तो तब आएगी जब फोन लग जाएगा, घंटी जाने लगेगी, लेकिन
हम कोशिश तो करेंगे, फोन लगाएंगे, इसके लिए सिंपली एक शब्द यूज करेंगे कॉल अप। तो बोलो आ रहा ना इंग्लिश में आनंद, किस तरह से मतलब एक कॉल शब्द का मीनिंग बदल जाता है प्रेपोजिशन लगाने का, किस सिचुएशन में कैसे हमें बोलना है। तो आपने देख लिया, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कॉल एट, कॉल एट का मतलब किसी को घर पे मिलना, आप किसी के घर उसको मिलने जाते हैं तो आप कॉल एट का इस्तेमाल करेंगे। एक कॉल इन, थोड़ा सा किसी को मिलना, थोड़ी देर के लिए किसी को मिलना, जैसे आप कहीं गए हुए हैं तो आपने सोचा यार चलो उसके यहाँ आए हुए हैं तो उसको मिलके जाते हैं, तो इस सेंस में आप हमेशा कॉल इन कहेंगे। राइट, कॉल फॉर, राइट हम इसको भूल गए थे, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, किसी चीज की डिमांड होना, जैसे पास होने के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए, पास होने के लिए कठोर परिश्रम मांगता है, ऐसा करना मांगता है, जैसे आप कई लोगों की भाषा होती है अरे भैया ये तो बहुत मेहनत मांगता है, तो वहां पे हमेशा कॉल फॉर का इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं कि भीख मांगने वाला मांगता नहीं है, कॉल फॉर जैसे मेहनत मांगता है। राइट, तो हम लिख सकते हैं दिस कॉल्स फॉर हार्ड वर्क, दिस कॉल्स फॉर हार्ड वर्क माने ये बहुत मेहनत मांगता है, दिस नीड्स, इसका मतलब यहां पे क्या है कॉल फॉर का नीड्स, याद रखना इसको कॉल फॉर का मतलब क्या है। राइट, देन कॉल ऑन तो बता ही दिया मैंने, किसी को मिलना फोन पे मिलना कॉल ऑन, कॉल ओवर नाम चिल्ला के बोलना, कॉल अप ट्राई टू गेट टू कम्युनिकेट, किसी को फोन लगाना कॉल अप करना, मुझे कॉल अप करना है, कॉल करना नहीं होता। अब बात रही बात इन सबको तो हमने बोल दिया इन एट ओवर लगा के, तो बेचारे कॉल का क्या होगा, कॉल तो कॉल ही है, सिंपली कॉल, जैसे एक रूम में हम हैं तो वहां किसी को मैं बुला रहा हूं तो मैं सिंपल कॉल बोलूंगा, वहां ना तो इन लगेगा ना आउट लगेगा ना ओवर लगेगा। राइट, हम बोलेंगे जस्ट आई एम कॉलिंग यू, जो विद इन माय विद इन हियरिंग रेंज, इफ इट इज ऑडिबल आई कैन से आई एम कॉलिंग यू, यू डोंट लिसन टू मी, यू डोंट हियर, आई एम कॉलिंग, वहां आप कुछ नहीं आने वाला। राइट, ये आप इन ये सब तब आएंगे जब कोई इंस्ट्रूमेंट साथ में होगा, ये फोन से रिलेटेड सब, जब फोन हाथ में होगा तो हम कॉल इन भी हो सकता है, कॉल आउट भी हो सकता है, कॉल फॉर भी हो सकता है, कॉल ऑन भी हो सकता है, लेकिन सेंस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग है, ये आप करेंगे। तो ये रहा कॉल के ऊपर की जानकारी, कॉल को हम कैसे यूज करेंगे। राइट, ओके, आई फिनिश दिस क्लास only with call, then I'll be coming up to you with some new phrases that will help you, but in the meantime I can again request you to subscribe to my channel and like and share, till then goodbye.